सावन माह के दूसरे सोमवार को जबलपुर में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा निकाली गई। यह कांवड़ यात्रा नर्मदा तट कवारी घाट से प्रारंभ हुई, जिसमें मां नर्मदा की पूजा के बाद हजारों की तादाद में कांवड़ियों ने जल भरा। उसके बाद यहां पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। शहर की सड़कों पर इन कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया और उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। बम भोले के जयकारों के बीच हजारों की तादाद में कांवड़िये पैदल खमरिया मटामर स्थित भगवान शिव के मंदिर कैलाश धाम के लिए रवाना हुए। 23 किलोमीटर लंबी यह कांवड़ यात्रा देर शाम को कैलाश धाम पहुंचेगी, जहां भगवान शिव का नर्मदा जल से अभिषेक कर यात्रा संपन्न होगी। भारत माता की, भारत के सच्चे सपूतों की, भारत नर्मदे। कैसा भी समय रहा, ये बाबा की हमारे नौजवान साथी, हमारी बहने, हमारी बेटियां, उनको नमन करता हूँ, उनकी निष्ठा को, भक्ति को नमन करता हूँ। उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे संस्कार रानी कांवड़ियों को अपने शब्दों से संबोधित करें। तो दोनों पक्ष के पीछे दवाइयां भरी है, उनको सबको सामने आज फिर 2 वर्ष के बाद ये मौका हम लोगों के बीच में आया, जब हम मां नर्मदा और मां भोलेनाथ का पूजन इकट्ठा मिलकर हजारों की तादाद में एक साथ चल के फिर से करने का समय आया है। कोरोना काल के बाद अब फिर एक बार मौका मिला है, क्या बड़े आयोजन है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजी गई दुनिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा, संस्कार कांवड़ यात्रा, ये 12वां वर्ष उसका है। इसके पूर्व 2 साल वैश्विक आपदा कोरोना के चलते शासन की गाइडलाइन के हिसाब से वो यात्रा संपन्न हुई। उसमें 5-7 साथियों का जो भी शासन ने गाइडलाइन दी थी, तो 2 वर्ष वैसे संस्कार सेवकों ने उस यात्रा को पूर्ण किया। इस बार यात्रा पूरे सवाब में है, पूरे नगर में उत्सव का माहौल है, पूरे ग्रामीण अंचलों में हमारे उत्सव का माहौल है। अभी ये जो आप कांवड़ियों की भीड़ देख रहे हैं, ये आधी भीड़ नहीं है, आधे से ज़्यादा भीड़ अभी जो है वहाँ पे रुकी हुई है। 3 बजे रात से बारिश लगातार हो रही है, उसके बाद संस्कार कांवड़ियों में पूरा उत्साह है और एक जिद आज रही है कि हम मां नर्मदा के पावन जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो कुदरत भी मेहरबान रहती है, भोलेनाथ का अभिषेक तो बाद में होगा, आज प्रत्येक कांवड़िया का अभिषेक पहले हो रहा है। संस्कार कांवड़ यात्रा श्रवण कुमार की तर्ज पे ये यात्रा यहाँ से निकाली जाती है, जिसके एक पात्र में मां नर्मदा का जल होता है और जैसे श्रवण कुमार ने जननी को रखा तो यहाँ के कांवड़ियों ने जगत जननी को रखा। दूसरे पात्र में अगर श्रवण कुमार ने पिता को रखा तो हमने वो देव स्वरूप के स्वरूप परम पिता को रखा। ऐसे ये संस्कार कांवड़ जब निकलती है तो ये मां नर्मदा के जल संरक्षण का देश दुनिया में अनोखा संदेश देती है, पर्यावरण के संरक्षण का अनोखा संदेश देती है और 12वीं जो कांवड़ यात्रा हमारी है इसी बात का संदेश देते हुए समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के उन विचारों को आत्मसात करते हुए मां नर्मदा के तट से लेकर कैलाश धाम मंदिर तक संपन्न। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।